बहुत सारे स्टूडेंट इस बात से चिंतित है कि एग्जाम में कौन सा क्वेश्चन पूछा जाएगा। जी हाँ, तो आपको इस बात से बिल्कुल भी घबराना नहीं है, क्योंकि मैं जितनी भी क्लासेस आपकी ले रहा हूँ आपको सारे क्लास में अटेंड होना है, क्योंकि मैं वही क्वेश्चन आपको कवर करा रहा हूँ जो आपको एग्जाम में पूछे जाने वाले। जी हाँ, तो आपको बिल्कुल भी क्लास को स्किप नहीं करना है, आपको सारे क्लास को देखना जरूरी है। जी हाँ, क्योंकि मैंने आपको बता दिया कि मैं सेलेक्टेड क्वेश्चन ही आप लोगों के लिए लेके आ रहा हूँ जो आपको एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। आपको क्लास के लास्ट तक बने रहना है, और क्लास अच्छी लगे तो लाइक कर देना, अपने दोस्तों में आपको शेयर कर देना, और जो भी स्टूडेंट इस चैनल पर नहीं आ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना है, ताकि जितने भी क्लास हो सबका नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके और आप टाइम पर क्लास को अटेंड कर सके। जी हाँ, तो बिना टाइम को वेस्ट किए हम लोग क्लास की ओर चलेंगे, और आप लोग साथ साथ में आंसर बताते चलेंगे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। वैयक्तिक विभिन्नता, जी हाँ, यानी इंडिविजुअल डिफरेंस का तात्पर्य होता है। जी हाँ, चलिए बिल्कुल यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जी हाँ, यानी क तथा ख दोनों, यानी ए तथा बी दोनों राइट आंसर हो जाएगा आपका। चलिए, बुद्धि एक सार्वभौम क्षमता है, किसने कहा है? जी हाँ, तो ये बात किसने कहा है कि बुद्धि एक सार्वभौम क्षमता है, तो ये क्वेश्चन नंबर टू का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जी हाँ, यानी किसने कहा है ये बात? वेक्सलर ने कहा है। चलिए, अब अगला क्वेश्चन देख लेंगे, क्वेश्चन नंबर थ्री। स्पीयरमैन के अनुसार बुद्धि में कितने तत्व होते हैं? जी हाँ, तो बुद्धि में कितने तत्व होते हैं स्पीयरमैन के अनुसार? तो ये राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जी हाँ, यानी दो तत्व होते हैं। चलिए, अब अगला क्वेश्चन देख लेंगे, यानी क्वेश्चन नंबर फोर। किसने बुद्धि का त्रितत्वीय सिद्धांत प्रतिपादित किया? जी हाँ, तो किसने त्रितत्वीय सिद्धांत प्रतिपादित किया है? तो फोर का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जी हाँ, यानी स्टर्नबर्ग हो जाएगा। चलिए, अब इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे, क्वेश्चन नंबर फाइव। सर्वप्रथम बुद्धि परीक्षण की शुरुआत किसने की? जी हाँ, सबसे पहले बुद्धि परीक्षण की शुरुआत किसने की थी? तो यहां पे राइट आंसर आपको बताना है फाइव का। तो यहां पे फाइव का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जी हाँ, यानी बीने राइट आंसर आपका हो जाएगा, यानी अल्फ्रेड बीने। चलिए, अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सिक्स। इनमें से कौन शाब्दिक परीक्षण नहीं है? जी हाँ, तो कौन सा शाब्दिक परीक्षण नहीं है? तो भाई सिक्स का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जी हाँ, ए एवं बी दोनों राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे, क्वेश्चन नंबर सेवन। आगमनात्मक तर्क को किसने बुद्धि का एक कारक माना है? जी हाँ, तो सेवन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जी हाँ, थर्स्टन हो जाएगा राइट आंसर। चलिए, आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर एट। व्यक्तियों की बुद्धि लब्धि 90 से 100 के बीच होती है उन्हें कहते हैं? जी हाँ, तो उन्हें क्या कहते हैं जिनकी बुद्धि लब्धि 100 के बीच होती है? तो एट का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जी हाँ, यानी उसको क्या बोलते हैं हम लोग? सामान्य कहते हैं। चलिए, अब अगला क्वेश्चन देख लेंगे, क्वेश्चन नंबर नाइन। बुद्धि के पास मॉडल को किसने प्रस्तावित नहीं किया है? जी हाँ, बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जी हाँ, यानी बी ने राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, अब अगला क्वेश्चन देख लेंगे, यानी क्वेश्चन नंबर 10। क्या है क्वेश्चन नंबर 10 में? बी ने तथा साइमन ने बुद्धि मापने के लिए सर्वप्रथम परीक्षण बनाया। जी हाँ, तो कब बनाया था सर्वप्रथम? तो अब 10 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जी हाँ, यानी 1905 ईस्वी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, अब अगला क्वेश्चन देख लेंगे, यानी क्वेश्चन नंबर 11। क्या है क्वेश्चन नंबर 11 में? निम्न में से कौन व्यक्तित्व विशेषता है? जी हाँ, तो कौन सा व्यक्तित्व विशेषता है? तो 11 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जी हाँ, यानी बुद्धि हो जाएगा। चलिए, अब अगला क्वेश्चन देख लेंगे, यानी क्वेश्चन नंबर 12। मनोवैज्ञानिकों ने 100 के कितने पक्षों की चर्चा की है? जी हाँ, तो 100 के कितने पक्षों की चर्चा की है? तो 12 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जी हाँ, यानी 7। चलिए, आप देख लेंगे इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। किसने आत्मसिद्ध की अवधारणा को प्रस्तुत किया है? जी हाँ, तो किसने प्रस्तुत किया है? तो 13 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जी हाँ, यानी मॉस्लो राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, अब अगला क्वेश्चन देख लेंगे, यानी क्वेश्चन नंबर 14। व्यक्तित्व का मनोगत्यात्मक उपागम को किसने प्रतिपादित नहीं किया है? जी हाँ, तो किसने नहीं किया है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जी हाँ, यानी फ्राइड ने नहीं किया है। चलिए, अब अगला क्वेश्चन देख लेंगे, क्वेश्चन नंबर 15। क्या है 15 में? स्व का संज्ञानात्मक पहलू है। जी हाँ, तो क्या संज्ञानात्मक पहलू है स्व का? तो 15 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जी हाँ, यानी आत्मसंप्रत्यय हो जाएगा राइट आंसर। चलिए, आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। कथानक आत्मबोध परीक्षण, जी हाँ, TAT निर्माता कौन है? जी हाँ, तो TAT के निर्माता कौन है? तो यहाँ पे राइट आंसर बताने हैं, तो 16 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जी हाँ, यानी मर्रे एवं मॉर्गन हो जाएगा राइट आंसर। चलिए, अब अगला क्वेश्चन देख लेंगे, यानी क्वेश्चन नंबर 17। व्यक्तित्व के दो प्रकारों अर्थात अंतर्मुखी तथा बहिर्मुखी का वर्णन सर्वप्रथम किसने किया है? तो किसने किया है? तो 17 का राइट आंसर जो हो जाएगा आपका कौन सा हो जाएगा? बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जी हाँ, यानी युंग हो जाएगा राइट आंसर। चलिए, आप देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 18। साक्षात्कार का उद्देश्य है? जी हाँ, जो साक्षात्कार है उसका उद्देश्य क्या है? तो जो 18 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जी हाँ, यानी आमने सामने के संपर्क से सूचना प्राप्त करना। चलिए, ये राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। चलिए, अब अगला क्वेश्चन देख लेंगे, यानी क्वेश्चन नंबर 19 में कैटल के अनुसार व्यक्तित्व के कितने शील गुण है प्रमुख है? जी हाँ, तो कितने शील गुण प्रमुख है? तो 19 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जी हाँ, यानी 16 हो जाएगा। चलिए, आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। क्या है क्वेश्चन 20 में? व्यक्ति के अवचेतन प्रक्रियाओं को बाहर लाने की विधि कहलाती है? तो क्या कहलाती है? तो 20 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जी हाँ, यानी प्रक्षेपण विधि कहलाती है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 21 को देख लेते हैं हम लोग।
निम्नलिखित में कौन व्यक्तित्व निर्माण के जैविक निर्धारक नहीं है? जी हाँ, तो कौन नहीं है? तो 21 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जी हाँ, यानी परिवार हो जाएगा राइट आंसर। अब अगला क्वेश्चन देख लेंगे, यानी क्वेश्चन नंबर 22। व्यक्तित्व का नैतिक शाखा माना गया है? जी हाँ, तो नैतिक शाखा माना गया है किसको? तो 22 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जी हाँ, यानी प्रह को माना गया है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेंगे, क्वेश्चन नंबर 23। वाक्य पूर्ति परीक्षण किस तरह का परीक्षण है? जी हाँ, तो किस तरह का परीक्षण है? तो भाई 23 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जी हाँ, यानी प्रक्षेपीय परीक्षण है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेंगे, क्वेश्चन नंबर 24। बच्चे में स्वर का विकास किस आयु में होने लगता है? जी हाँ, 24 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जी हाँ, यानी लगभग 2 वर्ष। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेंगे, यानी क्वेश्चन नंबर 25। क्या है 25 में? तनाव उत्पन्न करने वाले कारक को कहते हैं? जी हाँ, तो क्या कहते हैं तनाव उत्पन्न वाले कारक को? तो 25 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जी हाँ, यानी क्या बोलते हैं? प्रतिबलक कहते हैं। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेंगे, क्वेश्चन नंबर 26। प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक हंस शैली संबंधित है? जी हाँ, तो किससे संबंधित है? बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी बी हो जाएगा। जी हाँ, यानी तनाव के अध्ययन के क्षेत्र से है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेंगे, क्वेश्चन नंबर 27। क्या है 27 में? जब नकारात्मक घटनाओं से प्रतिबल की उत्पत्ति होती है तो उसे क्या कहते हैं? जी हाँ, तो उसको क्या बोलते हैं? तो 27 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जी हाँ, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? डिस्ट्रेस बोलते हैं। जहां पे नकारात्मक होगा तो वहां पे डिस्ट्रेस बोलेंगे, और जहां पे क्या होगा सकारात्मक होगा तो यहां पे उसको बोलेंगे हम लोग यूस्ट्रेस। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेंगे, क्वेश्चन नंबर 28। क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन नंबर 28 में? प्राथमिक मूल्यांकन के संप्रत्यय को किसने प्रतिपादित किया है? तो किसने प्रतिपादित किया है? तो 28 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जी हाँ, यानी लेजारस ने किया है। चलिए आप देख लेंगे इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। किसके अनुसार अप्रबंधित कार्य तनाव उत्पन्न करता है? जी हाँ, तो किसके अनुसार? तो 29 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जी हाँ, यानी राइस के अनुसार हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। निम्नांकित में कौन प्रतिबल का एक स्रोत नहीं है? तो कौन सा एक स्रोत नहीं है प्रतिबल का? तो 30 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जी हाँ, यानी पारिवारिक सहयोग या क्या है प्रतिबल का एक स्रोत नहीं है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे, क्वेश्चन नंबर 31। क्या 31 में? स्ट्रेस शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो कौन से भाषा से हुई है स्ट्रेस शब्द की उत्पत्ति? तो 31 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जी हाँ, यानी लैटिन भाषा से हुई है। अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32। निम्नलिखित में कौन मनोवैज्ञानिक प्रतिबल नहीं है? तो कौन सा मनोवैज्ञानिक प्रतिबल नहीं है? तो 32 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जी हाँ, यानी आंतरिक दबाव हो जाएगा राइट आंसर। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेंगे, क्वेश्चन नंबर 33। निम्नांकित में किसने प्रतिबल एवं स्वास्थ्य के संबंध पर बल दिया है? तो किसने स्वास्थ्य और प्रतिबल के संबंध पर बल दिया है? तो 33 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जी हाँ, यानी सेली हो जाएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेंगे, क्वेश्चन नंबर 34। प्रतिबल के विपरीत अवस्था है? जी हाँ, तो प्रतिबल के विपरीत अवस्था क्या है? तो 34 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जी हाँ, यानी शिथिलीकरण हो जाएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेंगे, क्वेश्चन नंबर 35। क्या है 35 में? निम्नलिखित में से कौन सामाजिक प्रतिबल है? तो कौन सा सामाजिक प्रतिबल है? तो 35 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जी हाँ, विवाह विच्छेद क्या है सामाजिक प्रतिबल है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36। सामान्य अनुकूलन संलक्षण की तीसरी अवस्था है? जी हाँ, तो तीसरी अवस्था क्या है सामान्य अनुकूलन संलक्षण की? तो 36 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जी हाँ, परिश्रांति अवस्था हो जाएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेंगे, क्वेश्चन नंबर 37। तो स्वास्थ्य संगठन यानी WHO द्वारा मानसिक बीमारी के वर्गीकरण की पद्धति है? जी हाँ, तो वर्गीकरण की पद्धति क्या है? तो 37 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जी हाँ, यानी ICD। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेंगे, क्वेश्चन नंबर 38। असामान्य व्यवहार से संबंधित नहीं है? जी हाँ, तो कौन असामान्य व्यवहार से संबंधित नहीं है? तो 38 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जी हाँ, यानी याददाश्त का कमजोर होना हो जाएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेंगे, क्वेश्चन नंबर 39। क्या 39 में? किसके अनुसार बच्चे असामाजिक व्यवहार क्लासिकी अनुकूलन से सीखते हैं? जी हाँ, यहाँ पे 39 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जी हाँ, यानी बैंडूरा के अनुसार हो जाएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेंगे, क्वेश्चन नंबर 40। क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन नंबर 40 में? निम्नांकित में कौन मानसिक विकृति है? जी हाँ, द्विध्रुवीय विकार। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेंगे, क्वेश्चन नंबर 41। डिमेंशिया प्रकॉक्स का दूसरा नाम क्या है? तो क्या नाम है? तो 41 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जी हाँ, यानी मनोविदालिता हो जाएगा राइट आंसर। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग, यानी क्वेश्चन नंबर 42। इनमें कौन असामान्यता के जैविकीय कारण नहीं है? जी हाँ, तो कौन असामान्यता के जैविकीय कारण नहीं है? तो 42 का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जी हाँ, यानी आरंभिक
वंचन हो जाएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेंगे, यानी क्वेश्चन नंबर 43। एनोरेक्सिया नर्वोसा विकार में रोगी को, जी हाँ, तो क्या होती है, यानी प्यास अधिक लगती है या भूख अधिक लगती है या भूख कम लगती है, प्यास कम लगती है, तो 43 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, जी हाँ, यानी भूख कम लगती है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेंगे, क्वेश्चन नंबर 44। सर्वीय विभ्रम मुख्य रूप से किस विकृति में मिलता है, जी हाँ, तो किस विकृति में मिलता है, तो 44 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जी हाँ, यानी मनोविदालिता में मिलता है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेंगे, यानी क्वेश्चन नंबर 45। क्रिया विशेष की पुनरावृत्ति है, जी हाँ, तो क्रिया विशेष की पुनरावृत्ति क्या है, तो 45 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जी हाँ, यानी मनोग्रसित बाध्यता हो जाएगा। चलिए अब इसी तरह अगला क्वेश्चन देख लेंगे, क्वेश्चन नंबर 46। LSD निम्नांकित में किस वर्ग की औषधि है, जी हाँ, तो किस वर्ग की औषधि है, तो बस 46 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जी हाँ, यानी विभ्रमोत्पादक हो जाएगा राइट आंसर। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेंगे, यानी क्वेश्चन नंबर 47। डोपामाइन की अधिकता से व्यक्ति में किस रोग के उत्पन्न होने की संभावना तीव्र हो जाती है, जी हाँ, तो किस रोग हो जाए, किस रोग की, तो भाई 47 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जी हाँ, यानी मनोविद्यालयता की। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेंगे, क्वेश्चन नंबर 48 क्या है, 48 में एक ध्रुवीय विषाद का दूसरा नाम क्या है, जी हाँ, तो एक ध्रुवीय विषाद का दूसरा नाम क्या है, तो 48 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जी हाँ, यानी विषादी मनोविकृति हो जाएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेंगे, क्वेश्चन नंबर 49। व्यवहार चिकित्सा आधारित होता है, जी हाँ, तो व्यवहार चिकित्सा आधारित होता है, तो किस पर आधारित होता है, तो 49 के राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जी हाँ, यानी सीखने के सिद्धांतों पर आधारित होता है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेंगे, क्वेश्चन नंबर 50 क्या है, 50 में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है, तो कौन सा कथन सही है निम्नलिखित में, तो 50 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जी हाँ, यानी ए तथा बी दोनों कथन क्या है, सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेंगे, क्वेश्चन नंबर 51 क्या है, क्वेश्चन नंबर 51 में निम्नांकित में कौन मनोवृत्ति का तत्व नहीं है, तो कौन सा मनोवृत्ति का तत्व नहीं है, तो 51 का राइट आंसर आपको बताने कमेंट बॉक्स में, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जी हाँ, यानी स्मृति तत्व हो जाएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेंगे, क्वेश्चन नंबर 52। संज्ञानात्मक और संवादित पर किसने अधिक बल डाला है, जी हाँ, तो किसने अधिक बल डाला है, तो 52 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जी हाँ, यानी फेस्टिगर ने अधिक बल डाला है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेंगे, क्वेश्चन नंबर 53। किसी व्यक्ति की मनोवृत्ति किसी के प्रति अनुकूल से बदलकर प्रतिकूल हो जाती है, तो ये एक उदाहरण है, जी हाँ, तो ये किसका उदाहरण है, तो 53 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जी हाँ, यानी असंगत परिवर्तन का उदाहरण है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेंगे, क्वेश्चन नंबर 54 क्या है, 54 में मनोवृत्ति पूर्वाग्रह से किस दृष्टिकोण से भिन्न है, जी हाँ, तो किस दृष्टिकोण से भिन्न है, तो 54 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जी हाँ, यानी आवेष्टन हो जाएगा राइट आंसर। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेंगे, क्वेश्चन नंबर 55। पूर्वाग्रह एक प्रकार है, जी हाँ, तो पूर्वाग्रह एक प्रकार है, किसका प्रकार है, तो 55 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जी हाँ, यानी मनोवृत्ति का प्रकार है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेंगे, क्वेश्चन नंबर 56 क्या है, 56 में मनोवृत्ति के संज्ञानात्मक संघटक से तात्पर्य है, जी हाँ, तो क्या तात्पर्य है, तो 56 का आपको राइट आंसर बताने हैं, तो यहां पे आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जी हाँ, यानी विश्वास एवं प्रत्यक्षण से। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेंगे, क्वेश्चन नंबर 57। हाइडर के अनुसार मनोवृत्ति परिवर्तन किस परिस्थिति में तेजी से होता है, जी हाँ, तो कौन सी परिस्थिति में तेजी से होता है, तो 57 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जी हाँ, यानी असंतुलन की अवस्था में तेजी से होता है। अब अगला क्वेश्चन देख लेंगे, क्वेश्चन नंबर 58। परिवार एक उदाहरण है, जी हाँ, तो परिवार एक किसका उदाहरण है, तो 58 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जी, यानी प्राथमिक समूह का उदाहरण है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेंगे, क्वेश्चन नंबर 59 क्या है, क्वेश्चन 59 में व्यक्ति किस कारण समूह से जुड़ता है, जी हाँ, तो किस कारण से समूह से जुड़ता है, तो 59 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जी हाँ, यानी उपरोक्त सभी के कारण वो समूह से जुड़ता है। अब अगला क्वेश्चन देख लेंगे, क्वेश्चन नंबर 60 क्या है, क्वेश्चन नंबर 60 में निम्नांकित में ऐसे किसका समूह निर्माण में योगदान नहीं होता है, तो किसका योगदान नहीं होता है समूह निर्माण में, तो भाई 60 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जी हाँ, यानी आत्मसम्मान का। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेंगे, यानी क्वेश्चन नंबर 61। सामाजिक प्रभाव का कौन एक प्रक्रिया नहीं है, जी हाँ, तो कौन सा एक सामाजिक प्रभाव का प्रक्रिया नहीं है, तो 61 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सामाजिक सरमाओ नयन हो जाएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेंगे, क्वेश्चन नंबर 62।
निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक समूह की विशेषता नहीं है, तो कौन सा प्राथमिक समूह की विशेषता नहीं है, तो 62 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा जी हाँ, यानी बी तथा सी दोनों हो जाएगा, यानी अप्रत्यक्ष संबंध और अवैयक्तिक संबंध, ये क्या है, प्राथमिक समूह की विशेषता नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेंगे, क्वेश्चन नंबर 63, जीव तथा उसके पर्यावरण के बीच के संबंधों का अध्ययन होता है जी हाँ, तो किसमें अध्ययन होता है, तो 63 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा जी हाँ, यानी पारिस्थितिकी में होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेंगे, क्वेश्चन नंबर 64 क्या है, क्वेश्चन नंबर 64 में विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है जी हाँ, तो विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो 64 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा जी हाँ, यानी 5 जून को मनाया जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे, क्वेश्चन नंबर 65 स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट आंसर दीजिए आप लोग। ध्वनि माप की इकाई है जी हाँ, तो ध्वनि माप की इकाई क्या है, तो 65 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा जी हाँ, यानी डेसिबल हो जाएगा राइट आंसर। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेंगे, क्वेश्चन नंबर 66 क्या बोला जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 66 में आक्रमण से तात्पर्य दूसरों के प्रति किए गए साभिप्राव क्षति से होती है, किसने कहा है जी हाँ, तो किसने कहा है, तो 66 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा जी हाँ, यानी बर्कोविट जो हो जाएगा राइट आंसर आपका। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेंगे, क्वेश्चन नंबर 67 क्या है, 67 में परामर्श संबंधी आवश्यक तत्व कौन नहीं है जी हाँ, कौन परामर्श संबंधी आवश्यक तत्व नहीं है, तो 67 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा जी हाँ, यानी सामूहिकता हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देख लेंगे, क्वेश्चन नंबर 68 क्या बोला जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 68 में मनोवैज्ञानिक का संज्ञानात्मक कौशल किस श्रेणी का कौशल होता है जी हाँ, तो कौन सी श्रेणी का कौशल होता है, तो 68 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा जी हाँ, यानी सामान्य कौशल हो जाएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेंगे, क्वेश्चन नंबर 69 क्या है, क्वेश्चन नंबर 69 में व्यक्ति के शारीरिक हाव भाव हैं जी हाँ, तो व्यक्ति के शारीरिक हाव भाव क्या है, तो 69 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी संचार कौशल हो जाएगा राइट आंसर। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेंगे, यानी क्वेश्चन नंबर 70 क्या बोला जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 70 में निम्नांकित में से कौन संचार का तत्व नहीं है जी हाँ, तो कौन संचार का तत्व नहीं है, तो 70 का राइट आंसर आपको बतानी है, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा जी हाँ, यानी परानुभूति, ये क्या है, संचार का तत्व नहीं है जी हाँ। तो आज की क्लास में हम लोगों ने 70 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया, और मुझे उम्मीद है कि यहाँ से आपको बहुत सारे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में डायरेक्टली देखने को मिलेंगे जी हाँ, इसलिए आपको पूरा क्लास को देख लेना अगर आपने पूरा क्लास नहीं देखा है जी हाँ। और मैं जितनी भी क्लासेस आप लोगों के लिए लेके आ रहा हूँ, आपको सारे क्लास में अटेंड होना जरूरी है जी हाँ, क्योंकि आपको इससे बाहर बिल्कुल भी क्वेश्चन नहीं आएगा, आपको एग्जाम में यहीं से आएगा जी हाँ। तो आपको घबराना नहीं है कि एग्जाम में क्या पूछा जाएगा नहीं पूछा जाएगा, सिर्फ आपको क्लास में पेशेंस के साथ बने रहना है, और क्लास अच्छी लगी हो तो आपको लाइक कर देना, अपने दोस्तों में आपको शेयर कर देना है, और जो भी स्टूडेंट चैनल पर नए आ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना है, ताकि जितने भी क्लासेस हो सबका नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके और आप टाइम पर क्लास को अटेंड कर सके जी हाँ। तो यहाँ तक बने रहने के लिए आप सबका धन्यवाद, फिर मिलेंगे हम लोग अगली क्लास में, टिल देन बाय बाय टाटा, सी यू ऑन द नेक्स्ट क्लास।